नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीतेश सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, जहां पर चुनावी मोड में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश में फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है। सीएम ने डीएम समेत 34 अधिकारियों का तबादला किया है। बहुचर्चित ऑफिसर दीपक रावत को ऊर्जा निगम के MD पद से हटा दिया गया है। तो बड़ा तबादला यहाँ पर किया है। एक बार फिर से उत्तराखंड में तबादला एक्सप्रेस चली है। चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो चुनावी मोड़ में पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं और उसी के मद्देनजर ये तबादले किए गए हैं। प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है, जिसके तहत कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। सीएम ने डीएम समेत 34 अधिकारियों का तबादला किया है। जानकारी मिल रही है कि बहुचर्चित तो ऑफिसर दीपक रावत को ऊर्जा निगम के MD पद से हटा दिया गया है। चुनाव के लिहाज से इन तबादलों को अगर देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले सीएम चाहते हैं कि उनकी टीम पूरी तरीके से मजबूत हो और ऐसे में जो भी लापरवाह अधिकारी हैं उनको इधर से उधर किया गया है। 34 अधिकारियों को यहां से वहां किया गया है। डीएम के तबादले किए गए हैं और इसमें जो जानकारी मिल रही है वो ये, जो कि बहुचर्चित ऑफिसर हैं रावत, तो उनका तबादला यहां पर कर दिया है। ऊर्जा निगम के पद से उनको हटा दिया है। ऊर्जा निगम के MD के पद पर वो थे, लेकिन अब दीपक रावत को वहां से हटा दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश जी, पूरी विस्तार से जानकारी चाहेंगे, कितने अधिकारियों का कहां कहां पर तबादला किया गया है और क्या चुनाव के लिहाज से ये तबादला किया गया है या ये कोई रूटीन कार्रवाई है? कैलाश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बोलिए। देखिए, आपको बता दूं कि ओबीसी विभाग जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जो अफसर था उनमें बड़ा फेरबदल कर दिया है। जो प्रदेश की चरमराशी प्रशासन को सुधारने की उद्देश्य का एक संकेत बताया जा रहा है। लगभग 34 अधिकारियों के इसमें स्थानांतरण हुए हैं, जिसमें नितिन भदौरिया जो हैं वो जिलाधिकारी अल्मोड़ा के पद से हटाए गए हैं। वहीं आशीष चौहान को जो है जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। स्वाति भदौरिया की अगर बात करें तो स्वाति भदौरिया जो हैं वो चमोली की जिलाधिकारी थी, उनको भी हटा दिया गया है। वहीं अगर बात करते हैं अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा में वंदना सिंह को तैनात किया है। जी जी, शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी तरीके से चुनावी मोड में दिख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार ने सूबे के आला अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरह यहाँ से वहाँ किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि जो बहुत चर्चित ऑफिसर हैं दीपक रावत, उनको निगम पद के MD से हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक और बड़ी खबर इस वक्त उत्तरकाशी से। यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि कुदरत का कहर लोगों पर भारी पड़ रहा है, कुदरत कहर ढा रही है। गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, पहाड़ी से भारी मात्रा में हाईवे पर मलबा गिरा है। घटना में हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है और एक बार फिर से यहां पर भूस्खलन हुआ है। गंगोत्री हाईवे पर जानकारी मिली है कि अब की बार भूस्खलन हुआ है और गंगोत्री हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। पहाड़ी से भारी मात्रा में हाईवे पर मलबा गिरा है। घटना में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तरकाशी से संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या जानकारी मिल पा रही है उत्तरकाशी में? एक बार फिर से यहाँ पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। प्रीति, बिल्कुल आपको बता दूं, उत्तरकाशी में वैसे कि लगातार बारिश का थोड़ा असर कम हुआ है, मगर जैसे ही धूप चटक रही है और अब पहाड़ों ने धड़कना शुरू कर दिया है, जिससे गंगोत्री हाईवे डबलकोट के पास बंद हो गया है। जी, और ऐसे में क्या राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है? क्या मलबा हटाने का काम प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिया गया है? बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर लगभग BRO की टीम लगातार हर समय अपडेट रहती है और वहाँ पर जब ये भूस्खलन हुआ है तो उसके बाद तुरंत उसमें कार्रवाई की गई और ये मनेरी के पास ही जो ऊपर जाने वाले लोग हैं उनको वहीं पे रोक दिया गया, किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। मगर अभी तक ये खुलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि
पूरी तरह से जो चट्टान है भागीरथी को भागीरथी में जा चुकी है, क्योंकि रोड खोलने में अभी काफी समय लग सकता है जी। और क्या इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ है? प्रीति बिल्कुल नहीं है, अभी कोई ऐसी कोई घटना यहाँ पे नहीं घटी है। सिर्फ ये है कि जो गंगोत्री हाईवे है वो पूरी तरह से भागीरथी में कट के जो स्लाइड है भागीरथी में जा चुकी है, क्योंकि उसमें अभी और समय लग सकता है, क्योंकि बीआरओ लगातार उसमें खोलने की तैयारी कर रही है जी। शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीआरओ की टीम वहां पर मलबा हटाने का काम शुरू कर चुकी है, हालांकि यहां पर और कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, कई घंटों का समय लग सकता है इस हाईवे को दोबारा से दुरुस्त करने में, दोबारा से यहां पर आवाजाही शुरू करने में। और हालांकि इससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है, पहाड़ी से भारी मात्रा में हाईवे पर मलबा गिरा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल युवा संवाद कार्यक्रम के लिए ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर उन्होंने युवाओं से सीधा संवाद किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि गंगा का पौराणिक महत्व ही नहीं बल्कि गंगा नदी से कई लोगों का रोजगार पर्यटन के रूप में जुड़ा हुआ है और हर साल इससे जुड़े हजारों लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा, ऋषिकेश राफ्टिंग और पर्यटन का हब है, लेकिन अगर सरकार की नीतियां पारदर्शी हो तो एक ही जगह पर कई तरह की योजनाओं को धरातल पर उतार कर युवाओं को जागरूक किया जा सकता है, जिससे कि रोजगार के और कई अवसर पैदा होंगे। मसूरी में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी सड़कों का निर्माण हो वहां पानी की निकासी सुनिश्चित करें, और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर विकास कार्य करने के आदेश दिए। और चलिए अब आपको देहरादून से आ रही बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। देहरादून से इस बीच एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि एक्शन मोड में है डीएम और आईएसबीटी का औचक निरीक्षण उन्होंने किया है। डीएम ने व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। आईएसबीटी में गंदगी देख जिला अधिकारी काफी ज्यादा नाराज हुए, भड़क गए। कोरोना के नियमों का पालन ना होने पर भी अधिकारियों ने नाराजगी जताई है और साफ सफाई करने के तुरंत प्रभाव से निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर गंदगी का आलम देखा गया, जिसके बाद जिला अधिकारी इससे काफी ज्यादा नाराज दिखे। उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। तो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं डीएम, आईएसबीटी का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था को ना पाकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। वहां की जो तमाम व्यवस्थाएं थी उनका जायजा उन्होंने लिया इस निरीक्षण के दौरान। गंदगी देखकर जिला अधिकारी भड़क गए। साथ ही उन्होंने यहां पर एक और बड़ी लापरवाही लोगों की देखी कि लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद और ज्यादा नाराजगी उन्होंने जताई है और तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को साफ सफाई कराने के निर्देश दे दिए हैं और लोगों से भी अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तीसरी लहर की भी संभावना यहां पर जताई जा रही है। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि ऐसे जो भी बिना मास्क पहने हुए घूमते पा रहे हैं उनको ये लोग चालान करें और फाइन भी करें। तो इसके अलावा बसेस पे भी चेक किया और बेसिक फर्स्ट एड किट इत्यादि का ही बसेस पे नहीं थे, तो मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट किया है कि फर्स्ट एड किट एक बेसिक नेसेसिटी है, हर बस में होना चाहिए और इमरजेंसी समय में अत्यंत आवश्यक है फर्स्ट एड किट का रहना। इसके अलावा टॉयलेट्स की व्यवस्था का भी मैंने निरीक्षण किया, काफ़ी खामियां पाई। और जो पीपीपी मोड में जिस कंपनी को दिया गया है रैम की, तो उनको मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, पास ऑन किए हैं कि सफाई व्यवस्था चकाचौंध रखें। बाजपुर के दोहरा में शहीद उधम सिंह कंबोज के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने शहीद उधम सिंह कंबोज का श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि शहीद उधम सिंह कंबोज के जीवन से युवाओं को चुनौतियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें शहीद उधम सिंह नगर के बताए मार्ग पर चलकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चिन्हित लाभार्थियों को आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र सौंपे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाभार्थियों को योजना की पहली किश्त डीबीटी द्वारा ऑनलाइन जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाएं समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सीधे लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री जी की योजना प्रत्येक जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उनको आवास मिले, उसके लिए योजना चलाई जा रही है। और आज इस योजना के जिस 16,472 लोगों को इससे सीधे सीधे लाभ मिलने वाला है, उनको आवास मिलने वाले हैं, और 1,30,000 रुपये की धनराशि उनके सीधे खातों में 3 किस्तों के माध्यम से उनके खातों में पहुँचेगी 60, 40 और 30 के रेशियो में, यानी कि पहली किस्त 60 की, दूसरी 40 की और तीसरी वाली 30 की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 127 इको बटालियन गढ़ी कैंट में अपर महानिदेशक प्रादेशिक सेना जनरल गुलाब सिंह रावत की तरफ से प्रदान की गई कोविड राहत सामग्री का फ्लैग ऑफ किया। कोविड राहत सामग्री के तहत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्समीटर, मास्क, सैनिटाइजर एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना और वेटरन की प्रतिमा पेंशन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी, और साथ ही एनडीए और सीडीएस परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। शनिवार को उत्तराखंड की सियासत मुसलमान समुदाय के नाम रही, जिसमें सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के बीच खूब सोशल मीडिया पर वार देखने को मिला। बलूनी ने हरीश रावत पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया, तो रावत ने पीएम मोदी समेत कुछ बड़े बीजेपी नेताओं की टोपी पहने फोटो शेयर कर उन्हें मौलाना लगने की चुनौती दी। तो यहाँ पर चुनाव से पहले सियासी दौर अगर देखें तो वो शुरू हो चुका है और दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। ट्वीट करके यहाँ पर दोनों ही दल के नेता एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लक्सर से बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। सुल्तानपुर गांव में लगातार बारिश जारी है और ऐसे में बारिश के चलते मकान का एक हिस्सा भी गिर गया है। पूरे मकान में दरार आ गई है। घर के सभी लोग हालांकि सुरक्षित हैं। पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, उनको आर्थिक सहायता दी जाए ताकि अपने मकान की वो मरम्मत करवा पाए। सुल्तानपुर गांव में लगातार बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश के चलते मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। बारिश के चलते एक मकान का हिस्सा गिर चुका है, पूरे मकान में दरार आ गई है। हालांकि घर के लोग सुरक्षित हैं और पीड़ित परिवार ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए ताकि अपने मकान की वो मरम्मत करवा पाए। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। कहीं पर बाढ़ जैसे हालात है तो कहीं पर भूस्खलन हो रहा है और कहीं पर तेज बारिश के चलते मकानों को नुकसान हो रहा है। लक्सर में लगातार हो रही बारिश की वजह से सुल्तानपुर में एक मकान का हिस्सा गिर गया। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, मकान का एक हिस्सा जो है पूरी तरह से धराशायी हो गया है और बाकी मकान में दरारें आ गई हैं। और ऐसे में परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। हालांकि परिवार के लोग सुरक्षित हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ, मकान का एक हिस्सा गिरा, उस दौरान लोग घर पर ही थे लेकिन उस जगह नहीं मौजूद थे जहां पर ये हिस्सा गिरा है मकान का। परिवार के लोग सुरक्षित हैं और पीड़ित परिवार के लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे उत्तराखंड की और खबरों के साथ। देखते रहिए खबर फास्ट। पंजाब सरकार वालों अपने नागरिकां नूं आवाजाई दीआं बेहतर सहूलतां मुहैया करवाउण लई वख-वख उपराले कीते जा रहे हन।
देहाती खेतर दिया लिंक सड़कां दी मुरम्मत करन ली विशेष तौर उते जोर दिता। सूबा सरकार ने 3,278 करोड़ रुपए दी लागत नाल 28,815 किलोमीटर लिंक सड़कां दी मुरम्मत करवाई, जदों के 834 करोड़ रुपए नाल 6,162 किलोमीटर लिंक सड़कां मुरम्मत अधीन हन। आवाजाई दी सहूलत नू मुख रखदिया 200 करोड़ रुपए दी लागत नाल पिंडां दीआं लिंक सड़कां ते पुलां अते पुलियां नू अपग्रेड कीता गया। पिंडां दे विकास लई वचनबद्ध पंजाब सरकार। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कार्यक्रम और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाजपुर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा में पास हुए छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और छात्राओं को उज्जवल भविष्य की उनके कामना की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए अरविंद पांडे ने बताया कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 99% से अधिक छात्र छात्राएं पास हुई हैं और साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं से देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने की अपील की। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल आज घोषित हुआ है और हाई स्कूल और इंटर दोनों में ही 99% से ज़्यादा परीक्षा फल आया है। इसमें अधिकांश बच्चे विशेष योग्यता से पास हुए हैं, अधिकांश बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, कुछ बच्चे द्वितीय श्रेणी में भी पास हुए हैं। समस्त इस परीक्षा में सफल बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान इन बच्चों को आगे बढ़ने में इनकी मदद करें, मैं शुभकामना देता हूं। कोरोना काल में या आम दिनों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया एक्सरसाइज को माना जाता है। लॉकडाउन लगने के साथ ही सबसे पहले जिम बंद कर दिए जाते हैं, जिससे घर में बैठे बैठे लोग जहां फैटी होने के साथ बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तो वहीं जिम संचालकों को भी भारी नुकसान हो रहा है। बात हरिद्वार की जाए तो यहाँ पर छोटे बड़े सब मिलाकर करीब 100 से ज़्यादा जिम होंगे और जो कि कोरोना के कारण नुकसान झेल रहे हैं। जिम तो मेन है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपका ऑक्सीजन लेवल बेस्ट रहेगा जिम करने से, आपकी पल्स ओके रहेगी। दूसरा, आप कोई भी ऐसा जिम वाला बंदा देखिए, कोई भी ऐसा पर्सन देखिए जिसको कोरोना हुआ हो अभी तक, 5% ही मिलेंगे आपको। हमारे जिम में मास्क कंपलसरी है सबके लिए और जो यहाँ के जिम के ऑनर है पहले आते सार हमारे मतलब हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं, उसके बाद ही हमारे को जिम में एंट्री दी जाती है। देखिए, जैसे कि मोदी जी ने बताया फिट इंडिया है तो हिट इंडिया है, ठीक है, उसके अनुसार हमारे लिए इम्यूनिटी बढ़ाना, अपने लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो बात सही है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने को है, पर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत ज़रूरी है। काशीपुर में शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने और बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। शिक्षा विभाग छात्रों की उन्नत शिक्षा पर जोर दे रहा है, इसके लिए स्कूलों में तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं और बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ सके इसलिए स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। काशीपुर के अब
35 स्कूलों को हाईटेक तकनीक से जोड़ दिया गया है। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि छात्रों को सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों जैसी आधुनिक सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे अध्यापक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, टीम के रूप में हम सब इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं कि सरकारी शिक्षा किसी भी मायने में निजी शिक्षा से कमतर ना हो और एक समुदाय का सरकारी विद्यालयों पर विश्वास बढ़े। और हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे विद्यालयों में निजी स्कूल से वापस बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक रेलवे प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर इस समय 375 की छात्र संख्या हो चुकी है, जबकि पिछली बार मात्र 300 थी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल से, चाहे हम इंदिरा गांधी स्कूल की बात करें, रामपुरा स्कूल की बात करें या रेलवे की बात करें, तो निजी स्कूल से वापस बच्चा सरकारी स्कूल में आ रहा है क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा उनको एम्बियंस मिल रहा है। तो अध्यापकों को, समाज के लोगों को विश्वास बढ़ रहा है कि सरकारी शिक्षा दिन प्रतिदिन बेहतर हो। उत्तरकाशी में दो बाइक सवार युवकों ने होमगार्ड को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवक भागने में नाकाम रहे। पुलिस युवकों पर काबू पाकर पूछताछ कर रही है और दोनों युवक दिल्ली से आए हैं। पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली है कि दोनों दिल्ली से उत्तरकाशी आए, जिनके पास ना तो क्षेत्र में आने की परमिशन है और ना ही आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है। युवकों के इस तरह प्रदेश में आने से पुलिस पर, प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध के चलते पुलिस ने जगह जगह पर कड़े पहरे लगा रखे हैं, बॉर्डर्स को सील कर रखा है और बॉर्डर्स पर सघन चेकिंग अभियान भी चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा में कहाँ चूक हुई है कि ये लोग प्रवेश कर गए और जो कि दिल्ली के बताए जा रहे हैं, बाहरी राज्यों से लोगों को प्रदेश में एंट्री नहीं दी जा रही है। बागेश्वर डीएम विनीत कुमार ने कपकोट के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान डीएम के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। डीएम विनीत कुमार ने श्यामा, लीति और गोगीना कपकोट कर्मी और बघर में मौजूद हालातों का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों से जल्द यातायात दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और एसडीएम, जेई और तहसीलदार को आपदा से निपटने के लिए हर समय सतर्क रहने के लिए कहा है। एक तो शामा जो नीति रोड है, वहाँ पे जो ऐसे जोन से जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा था, उसका निरीक्षण किया है और साथ साथ में जो एक कपकोट कर्मी जो रोड है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे जोन्स है जो क्रोनिक है काफ़ी और काफ़ी लगातार उसमें लैंडस्लाइड होता है। इसके अलावा एक यहाँ पे जो पुलिया है उसका भी एक अवेटमेंट जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, उसका भी आज हमने यहाँ पे आके निरीक्षण किया है और यही डायरेक्शंस दिए हैं कि जो हमारी कोई भी रोड अगर आपदा के कारण अवरुद्ध हो जाती है तो उसको तत्काल जेसीबी के माध्यम से मलबा हटाकर उसको सुचारू कर दिया जाए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्रों के विकास के लिए गुणवत्ता योग्यता वृद्धि विशेषज्ञ वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त राष्ट्र जिनेवा के रचनात्मक गुणवत्ता रंजीत बर विष्कार वर्चुअल जुड़े और इस दौरान उन्होंने बताया कि क्यों और कैसे छात्रों को अपने व्यक्तित्व और अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रतन टाटा के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि व्यक्ति मानवीय नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को अंजाम देता है, वो सफलता की ऊंचाइयों पर एक ना एक दिन जरूर पहुंचता है। देहरादून जो फार्मा से और औषधियों से संबंधित जो एक संस्था है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, उसके साथ गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय का एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें दोनों संस्थाएं औषधि पादप और जड़ी बूटियों से संबंधित शोध करेंगे और दोनों संस्थाओं के अधिकारी तथा रिसर्च स्कॉलर्स एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे।
केंद्र सरकार स्वच्छ भारत के लाख दावे करते हुए इस योजना में करोड़ों रुपए खर्च करती हो, वहीं उत्तराखंड में सफाई कर्मियों की हड़ताल से शिक्षा नगरी रुड़की कूड़े से अटी पड़ी है। शहर की कोई गली या सड़क ऐसी नहीं है जहां कूड़ा ना हो और बरसात के चलते अब नगरवासियों को कूड़े से उठती बदबू से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में सफाई व्यवस्था ठप होने को लेकर नगरवासियों में काफी ज्यादा नाराजगी है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि जल्द ही कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो जाए और आम जनता को राहत मिल सके, आम जनता को गंदगी से राहत मिल सके। और इंटरमीडिएट के परीक्षा फल घोषित हुए हैं। परीक्षा फल फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।